अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये आपके कंप्यूटर की बुक का यूनिट 4 पढ़ाने जा रही हूँ। रीडिंग बेटा आप लोग खुद कर लीजिएगा पूरे चैप्टर की, मैं सिर्फ आपको मेन कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। सो आपका यूनिट 4 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स चलते हैं, जितने भी कंप्यूटर के अंदर जितने प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता है। और कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स, जैसे कंप्यूटर में हम मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, कंप्यूटर गेम यूज़ होती हैं, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बहुत सारी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी की बहुत सारी टाइप्स भी हैं, लेकिन जो तीन मेन कैटेगरीज हैं, बेसिक कैटेगरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर लैंग्वेज। ये तीन मेन कैटेगरीज हैं, इनकी भी टाइप्स हैं, हम इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। और पहली जो टाइप है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो कंप्यूटर को पूरी तरह, कंप्यूटर के डेटा को और जो है कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको मैनेज करे, उसको कंट्रोल करे, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कौन से ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, लाइक हम अगर कुछ सेव करना चाहें कंप्यूटर के अंदर, या कंप्यूटर के अंदर हम किस तरह अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से पता चलता है। और कोई डॉक्यूमेंट अगर हमें प्रिंट करना है, ये सब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से कर सकते हैं, वही इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर मुश्तमिल है, जैसे कि डोज हो गया, विंडोज हो गया। अब इसके आगे जो है डोज के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि डोज क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। फिर इसके बाद बेसिक डोज कमांड है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट हेडिंग बताने जा रही हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो किसी स्पेशल टास्क के लिए यूज़ हो, उस एप्लीकेशन खोली जाती है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ इमेज ड्रॉ करनी है तो हम क्या खोलेंगे? एमएस पेंट खोलेंगे। फिर अगर या तो हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम क्या खोलेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग खोलेंगे। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर खोलेंगे जिसके अंदर नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये हम खोलते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। या अगर हमें कोई स्लाइड शो बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो हम क्या खोलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलेंगे। या अगर हमें स्प्रेडशीट बनानी है तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलेंगे। तो ये जितने ऑप्शंस हैं जो खोले जाएंगे उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर थर्ड है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बताया गया है कि दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई, अरबिक हो गई, फ्रेंच हो गई, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं दुनिया में, लेकिन हर कंट्री की एक अपनी लैंग्वेज है। जैसे कि अमेरिका है तो उसकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज है, हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी जो है उर्दू लैंग्वेज है, अगर कोई इंडियन है तो उसकी हिंदी लैंग्वेज है। तो हर कंट्री की एक अपनी लैंग्वेज होती है, और अगर आप उस कंट्री के लोगों से, अगर आप बात उस मुल्क के लोगों से अगर आप कम्युनिकेट करना चाहें, यानी बात करना चाहें, तो आपको उनसे बात करने के लिए उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो इसी तरह अगर हम कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो कंप्यूटर की भी एक अलग ही लैंग्वेज होती है, और उसके लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जो कि दो टाइप्स की हैं, एक है लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज में हम जो है पढ़ते हैं मशीन लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, जैसे कि OS हो गया या 1S हो गया, इस तरह की लैंग्वेज जो कि मशीन लैंग्वेज कहलाती हैं, मशीन कोड लैंग्वेज कहलाती हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गई,
अब अगर कंप्यूटर के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगी तो हमें समझ कैसे आएगा। इसलिए एक इंग्लिश लैंग्वेज भी दी जाती है जिसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जैसे लोगो हो गया, बेसिक हो गया या सी हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, बाकी चैप्टर आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। सही है।